चलिए हेलो डियर स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आई एम पिंटू श्योर वेलकम यू अगेन इन द सक्सेस अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जैसे कि बच्चों कल आप लोगों को पढ़ाया गया कुछ खास टॉपिक जिसमें से आपको इंट्रोडक्शन क्लाश ऑफ जॉन किड्स पढ़ाया गया तो so, चलिए उसको शुरू करने से पहले आज के क्लास में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनका मैं बता दूँ सबसे पहले अनामिया राठौर जिनका नाम ऋचा कुमारी है दूसरे आशीष राज जो गोलू कुमार हैं ये दोनों फिलहाल आ चुके हैं तो चलिए जो भी स्टूडेंट्स और आने वाले हैं वो फटाफट -फड़ क्लास ज्वाइन कर लें ताकि आज का क्लास मैं शुरू कर सकूं तो शुरू जब यहाँ क्लास करना है तो जरा पहले मैं पिछले क्लास की ओर ले चलता हूँ आपको तो आपको जो पिछला क्लास बताया गया उस क्लास में ये बताया गया कि कैसे जॉन कीट्स को तरह तरह की परेशानियां झेलने के बाद एक अच्छा सौ उपाधि मिला जिसे हम कहते हैं क्या रोमांटिक पोएट्स तो चलिए आपको यहां पर दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं क्लियर करवाता हूं पहला क्वेश्चन कि अगर क्वेश्चन ये पूछता है एग्जाम में हु इज नोन एज ए मेटाफिजिकल पोएट तो आप आंसर क्या लिखेंगे आंसर लिखेंगे जॉन डन डिओ डबल एन ई लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ये पूछे कि हु इज नोन एज मेटाफिजिकल पोएट के अलावे हु इज नोन एज रोमांटिक पोएट तो आप आंसर लिखेंगे केबल और केवल जॉन पीट्स ओके okay? तो ये दो क्वेश्चन को आप क्लियरली याद रखेंगे चलिए हमारे साथ क्लास में एक लड़का और जुट गए हैं जिनका नाम है सौरभ कुमार चलिए सौरभ जी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू और क्लास यहाँ से करें और आज कुछ खास टॉपिक में पढ़ाने वाला हूँ जो आज के क्लास में आपको इंजॉय करना होगा तो चलिए आज के क्लास में क्या क्या चीज पढ़ाने वाला हूँ कैसे पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में जरा नेक्स्ट पेज पर ध्यान से देखें यहाँ देखें यहां आप अपने हेडिंग देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे आपका हेडिंग दिया गया है ओड टू ऑटम ये आपका हेडिंग जो हो गया कविता का हो गया लेसन फोर यानी ये जो है आपका क्या है एक्सरसाइज फोर है पोएट्री का जिसका नाम है ओड टू ऑटम ओड टू ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का गीत या पतझड़ का गान तो पतझड़ के गीत में या पतझड़ के गान में कौन कौन से बातों को कौन कौन से टॉपिक्स को जॉन कीट्स ने अपने स्टाइल में समझाया अपने तरीके से समझाया उस बात की चर्चा करनी है लेकिन उससे पहले चलिए मैं आपको समझा दू है पर जरा ध्यान दें कि ओड टू ऑटम कविता का जो लेखक है वो कौन है जॉन किड्स इट मीनस वी कैन दैट जॉन किड्स इज द पोएट ऑफ ओड टू ऑटम चलिए हमारे साथ एक स्टूडेंट और जुड़ गए हैं विनय कुमार विनय जी वेरी वेरी गुड इवनिंग काफी लंबे दिनों के बाद आप क्लास करने के लिए आए हैं लेकिन देरी से ही लेकिन दुरुस्त हैं चलिए सही सलामत आप क्लास कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हमें जो लगा कि आप क्लास ही भूल गए और साथ में पिंटू सर को ही भूल गए चलिए कम से कम मैं और मेरा क्लास आपको याद है उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू विनय जी हाँ बिना जी का एक मैसेज है राम राम सर चलिए थैंक यू विनय एंड ऑल्सो आई सेड टू यू राम राम हाँ देखिए हमारे चर्चा कर रहे थे जॉन किट्स के बारे में जॉन किट्स जिनका जन्म हुआ सत्रह में और मृत्यु हुई अठारह को जो मुख्य रूप से 26 इयर्स ईयर्स जीवित रहे इसके बारे में हम कल के क्लास में चर्चा कर चुके हैं अगर कविता का क्वेश्चन पूछे कि, कि किस तरह का कविता है इसका टाइप्स क्या है तो क्या लिखेंगे नेचुरल ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी मतलब प्राकृतिक सुंदरता की कविता दी गई है चलिए उसी के साथ एक स्टूडेंट और यहाँ पर आ गए हैं स्वीटी कुमारी जो कि सुरेंद्र वर्मा के नाम के आईडी से पढ़ रहे हैं चलिए स्वीटी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू हाँ देखें तो आज के क्लास में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ जरा इसकी खास जानकारी देख लें तो आज के क्लास में आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले कि आपका जो दिया गया पोएट्री है इस पोएट्री को पूरा इंग्लिश पढ़ करके इसका हिंदी अर्थ ठीक है इस पूरे पोएट्री का जो हिंदी अर्थ है ये आपको समझाना है तो हिंदी अर्थ को समझने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें ताकि आज आपके इस क्लास में आपको ये सीखने को तो मिले कि किस तरह से जॉन किड्स ने ओटन मौसम का एक बड़ाई किया है ऑटन मौसम एक ऐसा सीजन है जिसमें तरह तरह के फूल पत्ते खिलते हैं तरह तरह की कलियाँ खिलती है और फसल का उत्पादन कितना तरह से होता है ये सारी बातों को बताया गया है जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया कि ये जो पोएट्री है वो क्या है एक नेचुरल ब्यूटी पोएट्री है इट मीन कि वी तो कैन से दैट द पोएट जॉन किड्स द ट्रू रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड आवर इन्वॉलमेंट तो चलिए बच्चों आज की क्लास यहाँ से शुरू करते हैं हमारे साथ बने रहें अंत तक ताकि आपको आज तरह तरह की बातों को सीखने का मौका मिल सके दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज के क्लास को करने से आपको दो फायदे पहला फायदा आपको ये होगा कि क्लास में कौन कौन सा टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा साथ ही साथ दूसरा फायदा ये होगा कि अगर आज का क्लास आप क्लियरली देखते हैं क्लियरली करते हैं तो ओड टू ऑटम का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका समरी आपको क्लास करने के दौरान ही सिखा दिया जाएगा तो यहाँ पर सिखाने के लिए मैं तैयार हूँ बस आप सीखने के लिए रेडी रहें तो चलिए आज से शुरू करते हैं इस पूरे पोएट्री का इस पूरे पोएट्री का एक टॉपिक जिसको पढ़ना है आपको यहां पर क्या अर्थ कौन सा अर्थ यहां पर आपको पढ़ना है हिंदी अर्थ तो पूरे पोइट्री का हिंदी अर्थ क्या होगा कैसे होगा मैं समझाता हूं चलिए यहां क्लास करते हैं शुरू और चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर यहां देखें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे सबसे पहला पैराग्राफ जो कि इस पोइट्री का दिया गया है जिसका नाम है ओड टू ऑटम चलिए माई डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं यहाँ पर जो पेन का कलर है मैं चेंज कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो पेज है वो वाइट है और वाइट पे येल्लो थोड़ा कम दिखता है तो उसके हिसाब से अगर आपको देखा जाए तो चलिए मैं आज आपको लेता हूं डीप चलिए डीप ब्लू ले लेता हूं ओके आज का क्या रहेगा आपका डीप ब्लू चलिए इसी के साथ एक नए स्टूडेंट्स आ गए हैं कुंचित कुमार सिन्हा जी चलिए कुंचित जी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू आप क्लास तो आए हैं कुछ जी लेकिन थोड़ा लेट आए हैं आई होप आपको पाँच मिनट क्लास पहले आना चाहिए था लेकिन कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अभी जो मेन टॉपिक है वो मैंने शुरू नहीं किया है बहुत शुरू करने वाला हूँ तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं आपका हेडिंग जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ओड टू ऑटम ओड टू ऑटम जिसका मतलब होता है पतझड़ का गीत या पतझड़ का गान तो इस पोइट्री को समझने के लिए आप मेरे साथ हिंदी सीखें कि किस तरह से कविता का हिंदी किया जाता है ताकि आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और, और समरी आपको दोनों सिखा दिया जाएगा लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ एक खास स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पर फिलहाल पढ़ रहे हैं चलिए आशीष राज जिनका नाम है गोलू गोलू जी आप मुझे ये बताएं कि आपके दो मित्र और हैं एक कुंदन कुमार एक संटी कुमार तो क्या आपने अपने दोस्त संटी को और कुंदन को इन्फॉर्म नहीं किया होगा इस क्लास के बारे में क्या आपने इन्फॉर्म किया या नहीं अगर हाँ तो यस लिखे कमेंट करें अगर नहीं तो नो लिखे कमेंट करें क्योंकि वो आपके नज़दीकी दोस्त हैं जहाँ तक मेरा सवाल रहा तो मैं कंफर्म कर चुका हूँ लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी उसके दोस्त हैं तो आप उसको एक बार कंफर्म कर दें तो चलिए बोलू जी मैं आपका वेट करता हूँ आपके कमेंट का आपके मैसेज का कि अगर आपने अपने दोस्त को पढ़ने के लिए बोला होगा तो यस लिख के भेजें अगर नहीं आपने बोला होगा गलती से भूल गए या गलती से छूट गए तो नो लिख कर के भेजें जैसे तो कि मैं आगे के कर, क्लास कंटिन्यू करता हूँ हाँ जी हाँ देखें चलिए सबसे पहले पोइट्री को शुरू करने से पहले आज के पोएट्री में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ इसका मेन बेसिक थीम्स क्या है वो सारे थीम्स को मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर वन से पहले पॉइंट में देखा जाए तो पहला पॉइंट में कवि जॉन किट्स ने यह कहना चाहा है कि ऑटम मौसम में हमारे वातावरण का हमारे प्रकृति की सुंदरता जो है किस तरह से निखर जाती है उस निखरता में क्या अट्रैक्शन आता है कि हम मानव हम व्यक्ति जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं तो आखिर इसमें क्या खुशखूबी है चलिए आशीष गोलू जी कहना है कि सर सन्टी के पास फ़ोन नहीं है चलिए भाई गोलू जी अब सन्टी के पास फ़ोन ही नहीं है तो इसका सोलूसन तो ना आपके पास है और ना ही मेरे पास है चलिए सन्टी को हटाइए फिलहाल यहाँ से उसके बाद आपका मैसेज आ रहा है कि और कुंदन को बोले हैं सर बोला कि पढ़ेंगे चलिए दोस्ती के नाते आपने बहुत अच्छा काम किया उसके लिए थैंक यू गोलू जी लेकिन अब स्टूडेंट जो पढ़ने वाले ही नहीं हैं उनको बोलने अथवा ना बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चलिए कोई दिक्कत नहीं हाँ देखिए ध्यान दिए हाँ हम पहला पॉइंट की बात कर रहे थे कि कवि जॉन किट्स ने ऑटम मौसम में जो प्राकृतिक सुंदरता होती है जो प्राकृतिक खूब खुण, खूबियाँ होती है उसको दर्शाया है दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस पोइट्री फिर हम सेकेंड पोइट्री की बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की बात करते हैं तो सेकेंड टॉपिक में आपको ये बताया गया है कि ऑटम जो मौसम है उसमें किसानों के प्रति क्या रिलेशनशिप है किसान जब ऑटन मौसम में आते हैं तो किसानों को क्या फ़ायदा होता है तीसरा टॉपिक ये बताया गया है कि किस तरह से ऑटम का जो सीजन है ऑटम का जो मौसम है वो हमारे स्प्रिंग सीजन से मिलता जुलता है स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है और चौथा टॉपिक है इस कहानी के सॉरी इस कहानी नहीं इस कविता ओके okay? इस कविता के माध्यम से कवि जॉन किड्स हम पाठकों को हम मानव को यह संदेश देना चाहते हैं इस बात की मोटिवेट करना चाहते हैं कि प्रकृति हमारा मित्र है और प्रकृति को हम अपना मित्र समझना चाहिए ताकि प्रकृति के प्रति कोई गलत काम ना हो प्रकृति को सवारे, उसका संरक्षण करें बचाव करें ताकि प्रकृति से मिलने वाली खूबियाँ हमारे लाइफ के लिए हेल्पफुल साबित हो सके तो ये है आज के क्लास का आपका थीम्स उस थीम्स के साथ मैं हम पोइट्री शुरू करने जा रहा हूँ जरा गौर फरमाएँ और गौर से पोइट्री को सीखे और समझने की कोशिश करें ताकि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन और सबसे इम्पोर्टेंट समरी आपको यहीं पर कंप्लीट हो जाए चलिए एक स्टूडेंट हमारे साथ और जुड़ गई जिनका नाम है कोमल राज चलिए कोमल कुमारी जी वेरी वेरी गुड इवनिंग टू यू बट यू हैव ऑल्सो लेट क्योंकि आपने क्लास कुछ मिनट आई थिंक दस मिनट आपने लेट कर दिया तो चलिए लेट किए हैं उसके लिए पेनल्टी तो आपको ये होगा कि आपको फिर से इस वीडियो को घर पे दोबारा देखना होगा क्योंकि जो पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ जो टॉपिक होने वाला है वो मैं क्लियरली समझा चुका हूँ और बता चुका हूँ यहाँ शुरू करना है पोइट्री का हिंदी तो चलिए कोमल आपको पेनल्टी ग्रुप में बस यही मिलता है पेनल्टी एक सजा कि जो आज आपका जो स्टार्टिंग क्लास छूटा अभी से दस मिनट पहले का वो आपको फिर से देखना होगा घर पर कोई दिक्कत नहीं आप देख लेंगे चलिए शुरू करते हैं पोइट्री यहां पर से तो पोइट्री को शुरू करने से पहले यहां देखें कि जब पढ़ते हैं हमको पहले इंग्लिश फिर मैं करता हूं उसका हिंदी सीजन ऑफ मिट्स एंड मिल्लो फ्रूटफुलनेस यहां देखें एक मीनिंग दिया गया है मिस्ट एम आई एस टी एस चलिए मैं इसको बता दूँ मिस्ट मतलब होता है ओश ओश का मतलब समझते हैं आप ड्यू बूंद बूंद छोटी छोटी महीने महीने बूंद जो कि ठंड के समय में पड़ता है जिससे ओश पाला कुहरा या कुहासा भी कहा जा सकता है और उर्दू शब्द की बात करें तो उर्दू में इस शब्द को शबनम भी कहा जाता है ठीक है शबनम यानी मिस्ट या ओस या ड्यू मतलब क्या होता है शबनम सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेल ऑफ फ्रूटफुलनेस कभी जॉनकिट्स कहते हैं कि ऑटम जो सीजन है मतलब पतझड़ का जो मौसम है वो एक ऐसा मौसम है जिसमें ओस की बूंदे पत्तों पर पड़ती है तो पत्तों की जो चमक होती है जो पत्तों का रौनक होता है वो हम मानव को अपनी ओर आकर्षित करता है साथ ही साथ यह जो मौसम है वो फलों से भरा हुआ मौसम होता है जिसमें तरह तरह के फल पकना शुरू होते हैं तो देखिए तो फलों का पकना या फिर ओस के बूंदों का गिरना और ओस की बूंदों के सूर्य की किरणों के साथ चमकना ये क्या है एक प्राकृतिक चीज़ है प्राकृतिक नज़ारा है जो हम मानव को कम देखने को मिलता है लेकिन जब भी इसको देखने को मिलता है हमारा तन मन अंदर से क्या होता है प्रफुल्लित हो जाता है उसी प्रफुल्लित की बात यहाँ पर कभी कहते हैं कि फ्रूटफुलनेस उसके बाद देखें सेकेंड लाइन में कह रहा है कि क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द शम यानी फूलों का खिलना फलों का पकना और सूरज की प्रकाश की किरणें जो सुबह सुबह निकलती है नई रोशनी के साथ नई किरण के साथ एक नई चमक के साथ उस चमक से फलों का खिलना और फूलों का खिलना यानी फलों का पकना और फूलों का खिलना कैसे संबंधित है तो कहा जाता है कि जब ऑटर्न मौसम में सूर्य की किरणें निकलती है तो सूर्य की किरणें के साथ साथ क्या होता है कि सूर्य की किरणें फल को गर्मी देती है तो गर्मी क्या होता है गर्मी पा करके वो फल पकना शुरू होता है इसी कारण फलों के पकने में और सूर्य के निकलने में क्या है कि दोनों में बहुत लंगोटिया यार जिगरी दोस्त एक क्लोज रिलेशनशिप को बताया गया है चलिए उसी साथ एक स्टूडेंट और आ गए सौरभ लाल चलिए सौरभ जी वेरी वेरी थैंकफुल एंड गुड इवनिंग टू यू चलिए स्वीटी कुमारी ध्यान देंगे मेरी बातों पर सभी स्टूडेंट्स स्वीटी कुमारी का एक क्वेश्चन है कि सर फॉग बोल सकते हैं या नहीं यू आर एफली राइट स्वीटी जी क्योंकि मिस्ट का साइनोनिम ड्यू भी होता है और फॉग भी होता है मिस्ट बोलें ड्यू बोलें या एफ ओ जी फॉग बोलें आप देखते हैं ना प्रचार टी पर एक आता है डी ओ वही फॉग अंतर सिर्फ क्या है कि यहाँ जो स्पेलिंग होगा फॉग का वो एफ ओ जी होगा क्लियर तो फोग जो यहाँ पर करते हैं उसका मतलब हो गया कि ओश या पाला या कुहरा जिसे कुहासा भी कह सकते हैं तो चलिए स्वीटी जी आपका जो सवाल था बिल्कुल सही था क्योंकि इस तरह का सवाल अगर आप पूछते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप ही नहीं जो भी स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं जो क्लास कर रहे हैं उन सबका ये हक है क्योंकि आप सभी मेरे स्टूडेंट हैं स्टूडेंट सब मेरे लिए बराबर ही हैं तो आप सभी का भी हक है कि आपको अगर कोई फॉल्ट हो कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो पढ़ाई से रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड तो फटाफट आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि लाइव क्लास का ये फ़ायदा होता है क्योंकि लाइव क्लास को जस्ट लाइक ऑफलाइन क्लास जैसा बनाया जाता है क्यों ताकि आपको जो समस्याएं हो जो प्रॉब्लम हो वो फटाफट यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर प्रीति कुमारी ने बोली कि सर फॉक लिख सकते हैं कि नहीं फॉक फॉक बोल सकते हैं कि नहीं तो बिल्कुल बोल सकते हैं क्योंकि मीनिंग सही है चलिए यहां पर से आगे देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग की ओर, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। कॉन्स्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेश विथ फ्रूट्स द वाइन्स दैट राउंड इवेंसन इवन रन चलिए एक रोशन कुमार जी हैं एक नया स्टूडेंट आया है पर क्लास के लिए रोशन कुमार जिन्होंने बोला मुझे राधे राधे पिंटू सर चलिए बिल्कुल राधे राधे आपको भी राधे राधे जय श्री कृष्णा चलिए रोशन जी क्लास शुरू करें और यहां से क्लास पढ़ने की कोशिश करें यहां बोल रहे हैं कि कॉन्स्पायरिंग विथ ही विथ फ्रूट द वैट राउंड दिन सन इवन रन जिस तरह से हम ऑटन के मौसम की बात करते हैं तो ऑटन मौसम में लताएं होती है मतलब लती वाइन्स जैसे आप बहुत से देखते होंगे कि बहुत से फूल के जो लत्ती होती है वो इतने अच्छे देखने में लगते हैं इतना सुंदर लगते हैं कि उसकी लता उस लता की जो खूबसूरती होती है वो हम मानव को अट्रैक्ट करती है तो यहाँ कह रहा है कि जब फूलों का खिलना शुरू होता है फलों का पकना शुरू होता है ठीक उसी समय लताओं का बढ़ना भी शुरू होता है वो लता क्या करती है एक ऐसा इन्वायमेंट पैदा करती है एक ऐसा सुंदरता करती पैदा करती है हमारे समाज में हमारे इन्वामेंट में कि हम मानव उसे देख करके क्या होते हैं अंदर से बहुत खुश होते हैं उस खुशी की बात कहाँ से आती है तो प्रकृति नज़ारा से आती है उसके बाद देखें नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट लाइन में कर रहा है कि टू बेंड विथ एप्पल्स द मोसेस कॉटेज ट्री एंड फील ऑल फ्रूट्स विथ राइपनेस टू द कोर अगर इस मौसम की बात की जाए तो इस मौसम में बहुत सारे फल पकते हैं लेकिन यहाँ पर कवि ने एप्पल यानी शेव की वर्णन किया है सेव का तुलना किया है वो तुलना क्या क्या, क्या है सुनिए आप देखते होंगे ग्रामीण क्षेत्र में जब खेती होता है तो खेत में परोर की बात करते हैं कद्दू की बात करते हैं या मनी प्लांट आपके घर पे होगा उसकी बात करते हैं अगर बहुत सारे को इस तरह से बनाया जाए ऊपर से छारा जाए तो क्या लिखता है नीचे जितना झोपड़ी जैसा यानी कॉटेज कुटिया तो वो कुटिया जो है यहाँ पर कभी क्या कहते हैं कि अगर एप्पल का फल जब लगता है एप्पल का जब फल लगने के बाद जब पकता है तो पका हुआ फल का जो वातावरण होता है उसके नीचे क्या दिखता है एक कुटिया के सामान दिखता है और जब फल लगना शुरू होता है तो फल का जो किनारा होता है छिलका उस छिलके में धीरे धीरे पिलापन आना शुरू होती है मतलब कि सूर्य के किरणों के आने के साथ धीरे धीरे फल का पकना भी शुरू होता है सारे तो बातें कौन से मौसम होती है में होती है आगे देखें टू सेल द गॉड एंड प्लम्प दैजल सेल बीथ अवीट करोर पर दो बातों पर चर्चा की है जॉन किड्स ने पहली बात उन्होंने ये बताए चलिए यहां पर एक स्टूडेंट आ गए हैं कुंदन कुमार चलिए कुंदन जी आप क्लास तो आए लेकिन काफी लेट और काफी दिनों के बाद आए हैं चलिए मैं कुंदन को और गोलू को और साथ में एक जो स्टूडेंट हैं रिचा कुमारी उन सबको मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि जब आप क्लास करते होते हैं तो क्लास के समय आप सिर्फ क्लास से रिलेटेड कमेंट्स को करें तो मेरे लिए भी अच्छी बात है और आपके लिए अच्छी बात है और हमारे चैनल के लिए भी अच्छी बात है आप कमेंट करें अच्छे अच्छे कमेंट करें लेकिन जो पढ़ाई पढ़ा रहा हूं मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं उससे रिलेटेड करें ठीक है हाँ बाकी आपको जो अपने में कुछ बात करना है फ्रेंड सर्कल में जो भी डिस्कशन करना है वो आप पर्सनली आप साइड से कर सकते हैं तो सो आई रिक्वेस्ट टू माई ऑल स्टूडेंट्स डोंट चैट और डोंट शेयर एनी एक्स्ट्रा मैसेज विदाउट टॉपिक ओके आप सभी समझदार स्टूडेंट्स हैं तो आई होप मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे और सुन भी रहे होंगे तो चलिए नेक्स्ट टाइम ध्यान देंगे कि आपको टॉपिक से हटकर जब कुछ मैसेज करना हो जब कर, कमेंट करना हो तो आप अपने दोस्त के पर्सनल नंबर पर करें इस चैनल पर कृपया करके ना किया करें ओके okay? चलिए बाकी सब सही है आप पढ़ें कोई दिक्कत नहीं हाँ जी चलिए सब स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि किन्हें करना है कि ओके सर किन्हें करना है ओके सर अंडरस्टैंड और किन्हें करना है सॉरी सर चलिए आप सभी से गलतियां हो गई कोई बड़ी बात नहीं है इंसान से गलतियां होती रहती है मुझसे भी गलतियां होती है गलती को माफ़ करना और गलती को एक्सेप्ट कर लेना कि आपने गलती की ये सबसे बड़ी महानता है आपने अपनी गलती एक्सेप्ट की ये सबसे बड़ी आपकी खूबी है चलिए ये सब बातें होती रहती है ये सब बातें करते रहेंगे हम तो चलते अपने टॉपिक की ओर हाँ जी कुन जी हाँ देखें यहाँ बोला जा रहा है कि जब ऑटम मौसम में सूर्य की किरणों से गर्मी निकलती है उस गर्मी को पा करके क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं उस पेड़ में जो फल होते हैं वो फल क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें छिलका होता है ना जिसको बोलते हैं क्या हैजल सेल वो छिलका लगना शुरू होता है और छिलका क्या होता है कि धीरे धीरे पकना शुरू होता है उसे पिलापन का एक कलर आता है किसी किसी में लाल कलर आता है जैसे आप आम को देखते होंगे एक वैसे आम को देखें जो पेड़ में लटका हुआ है क्या होता है कि चारों छिलका लगता है वो धीरे धीरे फल बढ़ता है तो धीरे धीरे पकना भी शुरू होता है और ही और उसमें महीन महीन छिलके के साथ पतले पतले छिलकों के साथ अंदर में गुद्दा होता है जो खाते हैं हम लोग गुद्देदार वह लिखा गया करनेल तो गुद्दा भी क्या होता है बढ़ना शुरू होता है फिर तो सारा जो टॉपिक्स है वो सारा जो मौसम है वो कहाँ से आता है ऑटम सीजन से उसके बाद देखें नेक्स्ट लाइन एंडस्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द वीज इस मौसम में एक खासियत और क्या है कि बहुत तरह तरह के नए नए रंग बिरंगे सुगंधित फूल के खिलने से जो मधुमक्खियाँ होती है जो तितरियाँ होती है इस रस को स्वाद लेने के लिए फूलों को छूने के लिए फूलों के रस को पीने के लिए उसके मदरा को यूज करने के लिए दूर दूर से मधुमक्खियाँ उस फूल पर आते हैं बहुत सारे भौरे आते हैं इस दृश्य को कभी ने एक अच्छा दृश्य माना है आगे देखें until द थिंक warm days will never cease for summers have over brim their कलमसी cells यहाँ कह रहे हैं कवि कि जैसे जैसे दिन ढलता है गर्मी पड़ना शुरू होती है और धीरे धीरे सूर्य की किरणों के साथ गर्मी का प्रभाव बढ़ता है तो तरह तरह के फूल क्या होते हैं और बड़ा होना शुरू होते हैं यानी कि मॉर्निंग में सारे फूल जो होते हैं वह तो कली के रूप में होते हैं लेकिन दोपहर आते आते सूर्य की गर्मी पा करके सूर्य की पहली किरण को पा करके क्या होते हैं कि सभी फूल धीरे धीरे बड़े फूल में बदल जाते हैं और वो फूल देखने में इतने सुंदर लगते हैं कि उसे देखने का जी करता है उसे नजर हटने का मन नहीं करता यह था आज के कविता का आपका पहला पैराग्राफ तो आई होप आप सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा चलिए मैं यहाँ पर एक मिनट के लिए होल्ड करता हूँ ठहरता हूँ सिर्फ ये पूछने के लिए कि जो अभी स्टूडेंट में हम क्लास कर रहे हैं जो पढ़ रहे हैं क्या उनको यह पहला पैराग्राफ का सारा टॉपिक हिंदी में समझ में आ गया या नहीं अगर आप सभी स्टूडेंट्स को यह पहला टॉपिक यह पहला पैराग्राफ अगर समझ में आ गया है तो फटाफट आप सभी स्टूडेंट यस सर लिख करके या यस लिख करके कमेंट करें और अगर किसी को कुछ दिक्कत है इस टॉपिक में तो जो दिक्कत है उन्हें टाइप करके फटाफट पूछ ले ताकि मैं अगले टॉपिक की ओर बढ़ सकूं। चलिए मैं बैठ करता हूं कुछ सेकंड के लिए कुछ मिनट के लिए आप पूछें जो पूछना है थोड़ा गर्मी भाई इसलिए पसीना पोछना पड़ता है उसके डोंट माइंड चलिए रिचा कुमारी का कहना है यस सर उन्हें कोई दिक्कत नहीं है चलिए रिचा जी आप समझ लिए पूरे टॉपिक को बहुत अच्छी बात चलिए और कोई स्टूडेंट जिनको दिक्कत है वो फटाफट बोलें चलिए कुंदन कुमार का नया कलमशी का मतलब क्या होता है चलिए कुंदन जी आपने बिल्कुल सही बोला क्लमशी ठीक है यहाँ पर लिखा गया आपका देखें आपको ध्यान दें मैं आपको समझाता हूँ सबसे लास्ट लाइन में देखें कुंदन जी का एक सवाल है कि कलेमसी सेल्स यहाँ देखें सबसे लास्ट कुछ मैं लिए बंद कर रहा हूँ सी एल ए डबल एम बाई क्लैमी क्लैमी से मतलब होता है तो ये कुंदन जी मैं आपको समझाता हूँ क्लैमी का मतलब होता है पका हुआ छिलका और हैजल से मतलब होता है कच्चा छिलका जी देखिये देखें। मैं आपको कर रहा हूं अंडरलाइन यहां देखे कुंदन जी यहाँ पर देखे आप जिसमें मैं अभी कर रहा हूं अंडरलाइन ध्यान से देखें जहां पर अंडरलाइन में कर रहा हूँ क्या है हैजल सेल ये हो गया वैसा छिलका जो कच्चा छिलका जो फल क्या स्टार्टिंग में लगता है और नीचे देखें यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन में दिया गया क्या क्लाइमी सेल सी एल ए डबल एम बाई कलेमी सेल इसका मतलब होता है वैसा छिलका जो पिलापन का रूप धारण कर लेता है जो हल्का पक जाता है उसे क्या होता है क्रैमी शेल। आर यू क्लियर यस और नो चलिए स्वीटी जी का कहना है क्वेश्चन स्वीटी का आया है हाँ उससे पहले विनय कुमार का थोड़ा सा रुकेंगे विनय कुमार कहना कि सर पूरा समझ में आ गया चलिए विनय जी बिल्कुल धन्यवाद अच्छी बात देखें यहां पर बोला जा रहा था स्वीटी कुमारी जी ने क्वेश्चन पूछे कि सर ब्रीम का मतलब क्या होता है स्वीटी जी मैं आपको बता दूं यहां पर जो बी आर आई डबल एम ब्रीम का मतलब होता है भर मुंह या मुंह तक भरा हुआ ठीक है उसके बाद एक

थोड़ा सा रुकना पड़ा वेट करना होगा चलिए तो जहां तक मैं देख रहा हूं कि फिलहाल आपका जो नेट का इश्यू था नेट का प्रॉब्लम था उसे सही कर दिया गया है और यहां से आप क्लास यहां से आप फिर से कर सकते हैं ठीक तो है आपका नेट जो है बिल्कुल सही हो गया इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि आपके जो कुछ क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था वो करते करते समय क्या हुआ कि आपका जो नेट का प्रॉब्लम इशू हो गया चलिए मैं फिर से बताता हूँ छुट्टी जी का कहना था कि ब्रिम का हिंदी मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ अगर छूट गया हो तो ब्रीम का मतलब होता है भर मुंह या मुंह तक भरा हुआ एक कुंदन कुमार ने बोले क्लाइमी का मतलब तो क्लाइमी का मतलब होता है वैसा फल का छिलका फल का वैसा छिलका धीरे धीरे पिलापन हो जाता है पीले रूप में आ जाता है उसके बाद एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था थाजल एच ए जे डी एल का मतलब होता है वैसा छिलका जो बिल्कुल कच्चा हो स्वीटी जी लिखते हैं कि लगता है कि आज क्लास नहीं हो पाएगा नहीं स्वीटी जी आज का क्लास तो हो ही रहा है थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम हुआ मैं मानता हूं इस बात को कि नेट का इशू हुआ नेट का प्रॉब्लम हुआ जिसके वजह से आप सभी स्टूडेंट को वेट करना होगा आप सभी स्टूडेंट ने वेट किए दस मिनट वेट किए चलिए उस वेट के लिए थैंक यू अब क्लास को आगे करते हैं टॉपिक नंबर टू की ओर ये था आपका पहला पैराग्राफ अब चलते हैं पैराग्राफ यहाँ देखें यहाँ जैसे कि आप अपना स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक छोटा सा फिगर जो आपको दिया गया है राइट साइड कॉर्नर पे पर देखें ये जो फिगर है एक इन्वामेंटल फिगर है यहाँ देखें जहाँ पर मैं एरो मार रहा हूँ ऊपर की ओर ये जो आपका फिगर है एक ऐसा फिगर है जो इन्वामेंट के नजारा को दिखाता है इन्वायरमेंट के वातावरण के सुंदरता को बताता है जिसे देख करके जो कवि हैं जॉन कीट्स वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं चलिए आगे देखते हैं इसके बाद देखें कहना है, oh. है कि लास्ट लाइन फिर से सम... चले स्वीटी जी ठीक है मैं आपकी बातों को रखता हूं और फिर से बैक स्लाइड की ओर पिछले पेज की ओर चलता हूं यहां कह रहा है क्वेश्चन में कि देखें लास्ट लाइन में पीटी जी यहाँ देखें आपका लास्ट लाइन मैं यहाँ से पढ़ाने जा रहा हूँ जहाँ पर से लंबा सा एरो दिया ठीक है यहाँ से यहाँ देखें ब्लू रंग के एरो से लास्ट का लाइन यहाँ करा कि फॉर समर हैज ओवर ब्रीम्ड दियर कैलमसी सेल अर्थात इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे सूर्य की गर्मी बढ़ती है सूर्य की किरणें तेज होती है तो उस गर्मी के साथ साथ क्या होता है कि फलों का जो छिलका होता है जो बाहरी लेयर होता है आउटर सरफेस का लेयर होता है वो धीरे धीरे पीले रंग में धीरे धीरे लाल रंग में पकना शुरू होता है यही दिया गया आपके लास्ट लाइन में ठीक है समझिए फिर से कि सूर्य की गर्मी के साथ फल के छिलके धीरे धीरे पिलापन रूप में या पकने के रूप में आ जाते हैं क्लियर चलिए अब हम चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की ओर यहां देखें यहां मैं चर्चा कर रहा था इस फिगर के बारे में जो है ब्लू रंग से शो किया गया आपको ये फिगर एक नेचुरल इन्वायरमेंट है जिसे देख करके कभी काफ़ी खुश होते हैं आनंदित होते हैं और इस कविता में इसकी चर्चा करते हैं वो क्या जरा देखें यह कह रहा है कि हु हैड नॉट सीन दी ऑफ एमिट सम टाइम्स हु इवर शिक अब्रोड माई फाइन कवि कहते हैं कि इस तरह का नज़ारा इस तरह का दृश्य देखने के लिए वो हमेशा ललायित रहते हैं हमेशा उत्तेजित रहते हैं कि कब प्रकृति में सुंदरता का नज़ारा देखा जाए डाई शीटिंग केयरलेस ऑन ए ग्रैनरी फ्लोर द हेयर शॉर्ट लिफ्टेड वाई द बिनुइंग बिंड अब याद आई यहाँ पर से मैं चलता हूँ आपको कुछ अलग टॉपिक की ओर जिसमें से कभी ये बताना चाहते हैं कि जब ऑटम के मौसम में किसान लोग फसलों की कटाई करते हैं तैयार तो फसल को या पके हुए अनाज को काटने की तैयारी में रहते हैं तो उस समय किसान बहुत खुश नजर आते हैं क्योंकि उनके जो सालों भर का जो मेहनत होता है महीनों भर का जो मेहनत होता है वो उसके सामने रिजल्ट लिए खड़ा रहता है इट मीन्स कि वी कैन से दैट इस लाइन के माध्यम से ये दो लाइन या देखिए लाइन नंबर तीसरा और लाइन नंबर चौथा यानी सेकेंड और सॉरी थर्ड और फोर्थ लाइन से कभी यहाँ यह कहना चाहते हैं कि किस तरह से किसान अपने खेतों में लहराते हुए फसलों को देख कर करके तैयार फसलों को देख करके काफ़ी खुश होते हैं और ये मन ही मन सोचते हैं कि किस समय मैं इन अनाजों को जमा करूंगा। देखें चौथा लाइन में दाई हेयर लिफ्टेड बाय द बिनोइंग बीन यहां देखिए बिनोइंग के बारे में मैंने आपको कल समझाया था बिनोइंग मतलब होता है ओशाने वाली हवा इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ द फार्मर इन विच सीड्स आर फाइंड आउट फ्रॉम द यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें अनाज को दानों अनाज के दानों को भूसों से अलग किया जाता है जैसे आप देखिए समझिए आप देखेंगे किसान को गांव में कि जब किसान के पास अनाज होता है जिसे मान लिया जाए धान कटा या गेहूं कटा तो गेहूं में देखते हैं क्या कि महीने महीने भूसे होते हैं धान में भी बहुत बहुत महीन महीन भूसे होते हैं तो उस भूसों को दानों से अलग करने के लिए एक प्रोसेस होता है जिसका बोलते हैं बिनोइंग जिसको होते हैं ओसाना जैसे मान लिया जाए किस तरह से सूप में लेकर क्या करते हैं अनाज को हाथ में रखते हैं सूप में धूप में रखे अनाज को धीरे 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 गिराते हैं अमान लगे इधर से कोई हवा आ रहा है तेज वो हवा क्या करता है कि तेज होको से भूसों को आगे ठेलती है और दानों को नीचे गिरने देती है तो इसे क्या देखते हैं कि भूसा अलग हो गया और दाना अलग हो गया इसे क्या बोलते हैं विनोइंग तो जो लोग किसान होंगे जो किसान के से रिलेटेड होंगे या आपने टेंथ क्लास का बायोलॉजी पढ़ा होगा उसमें आपको बताया जाता है कि विनोइंग क्या होता है आगे देखें उसके बाद कह रहा है उसके बाद कि और ऑन ए हाफ रीफ रोड स्विप अब कहते हैं कि शाम के समय में जो हवा चलती है तो हवा चलने के से जो आवाज उत्पन्न होता है हल्की हल्की जो आवाजें होती है वो आवाज सुनने में बहुत ही मधुरमय और बहुत मीठा लगता है ड्रॉस्ट द फ्यूम ऑफ पोपीज वायल दे हुकर्स द नेट फ्वेथ एंड ऑल इट्स ट्वेंट फ्लावर्स जब वसंत ऋतु में और ऑटम के मौसम में ठंडी ठंडी हवा चलती है मध्यम मध्यम गति से हवा बहती है तो उस हवा के साथ जो आसपास के फूल होते हैं वो फूल झूमते हैं फूल फूल क्या कहते हैं झूमते और नाचते और गाते हैं आप देखे होंगे बाग बगीचों में जो हवा चलती है तो क्या होता है कि हवा के साथ साथ जो कलियाँ होती है जो फूल होते हैं वो भी इस तरह से झूलते हैं झूलने तो का यहाँ पर अर्थ क्या बताएं कवि ने कभी ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम मानव अपना दुख दर्द तकलीफ़ खुशियाँ अपने परिवार वालों के साथ अपने दोस्तों के साथ बांटते हैं उसी तरह से हवा का चलना भी क्या है एक रिश्ता बनाता है फूलों के साथ तो फूल का हिलना डुलना और हवा का चलना एक दूसरे से संबंधित है उसके बाद देखें एंड समाइम्स लाइक ए ग्लीनर एंड दाउ इन हेड अक्रॉस द ब्रुक अब रहा है कि यहाँ पर जो शाम के समय में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जो छोटे छोटे भगजोगनी से होते हैं भगजोगनी भगजोगनी होता है भाग भाग आप देखेंगे गाँव में कि शाम के समय में जब हल्का सा अंधेरा होता है तो छोटा सा कीड़ा जो मक्खी की जैसे दिखता है उड़ने वाला कीड़ा उसके बॉडी पर लाल लाल सॉरी उसके बॉडी पे हर रंग का हल्का सा हर रंग का लाइट जलता है जिसे क्या कहते हैं ग्लीमर यानी भगजोगनी तो शाम के समय में जब भगजोगनी हमारे वातावरण में आता है तो हमारे एन्वायरमेंट इस तरह से होता है मानो आकाश में बहुत सारे असंख्य तारे टिमटिमा रहे हो तो भगजोनी यहाँ पर चमकना तारों के टिमटिमाने से तुलना किया गया है तो ये भी क्या है ये भी आपका एक नेचुरल ब्यूटी ही है यानी यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी में ये बताया गया कि किस तरह से कभी प्राकृतिक सुंदरता को हम मानव के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं उसके बाद देखें और बाय ए साइडर प्रेस विथ पेशेंस लुक दाओ वॉच द लास्ट वोजिंग आवर्स बाय आवर्स अब कभी कहते हैं कि इस तरह का नज़ारा को देख कर करके कभी इतना प्रसन्न होते हैं कि घंटों तक इस तरह के सुंदर नज़ारों को वो देखते हैं पानी की छीटों को देखते हैं कब जब किसी फूल की पत्तियों पर किसी पेड़ की टहनियों पर पेड़ की पत्तियों पर छोटे छोटे महीन महीन फूल गिरते हैं तो फूल से जो पत्तियाँ होती है जो पानी होता है पानी की बूंदें होती है जिसको ओजिंग छीटा वो छीटा क्या होता है बहुत ही अच्छा दिखने को मिलता है चलिए एक नया स्टूडेंट यहाँ पर आ गए हैं राजू कुमार चलिए राजू जी वेरी वेरी गुड इवनिंग यहाँ देखें हाँ यहाँ क्या आ गया कि जैसा समझिए मैं आपको समझाता हूँ फिर से कि आप देखते होंगे बरसात के मौसम में या सुबह सुबह जब ठंडी पड़ती है कुहासा गिरता है तो कि फूलों पर पत्तियों पर कुहासा का जो पानी होता है महीन महीन छीटा होता है बुना होता है वो गिरा रहता है जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो इस कदर चमकते हैं कि मानो मानो किस पत्ते पर छोटा सा हीरा रखा हुआ जो दूर से ही चमक रहा है इस तरह का दृश्य को देख करके कभी इतने खुश होते हैं इतने प्रसन्न होते हैं कि उनका नज़र इस तरह के नज़ारे से कभी हटता नहीं है तो ये था आपका पैराग्राफ टू चलिए कुछ पल के लिए कुछ सेकंड के लिए मैं फिर यहाँ पर होल्ड करता हूँ यहाँ पर ठहरता हूँ इसलिए ताकि पैराग्राफ टू में अगर किसी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत है तो वो जो पहले पूछ ले अगर दिक्कत नहीं है तो सारे स्टूडेंट्स फटाफट यस सर करके कमेंट करें अगर दिक्कत है तो दिक्कत को कमेंट करके पूछें ताकि मैं आपको फटाफट आंसर दे सकूँ चलिए मैं कुछ समय के रुकता हूँ आप अपना सवाल जो ढूंढना है वो कमेंट करें अगर सारा सवाल क्लियर है या जो मैं पढ़ाया वो क्लियर है तो वहाँ पर यस सर करके मुझे प्रमोट करें स्टूडेंट का तो मैसेज आया स्वीटी कुमारी का क्लियर है सर चलिए और कोई स्टूडेंट है जो अपना कमेंट देना चाहते हैं वो फटाफट दें नहीं तो मैं आगे थर्ड की ओर बढ़ता हूं कुशे के नाव रुकता हूँ आपके कमेंट का वेट करता हूं चलिए एक स्टूडेंट विनय कुमार जी का कहना है कि बिनोइंग का मतलब क्या होता है सर जी चलिए हालांकि मैं इस पॉइंट को समझा दिया हूं विनय जी लेकिन मैं फिर से समझाता हूं अगर आप पूछना चाहते हैं तो विनोइंग का मतलब होता है कि हवा का वैसा प्रोसेस जो किसान लोगों द्वारा किया जाता है मतलब कि वैसा प्रोसेस जिसमें से भूसे से दानों को होता है अनाज अनाज के दानों को भूसों से अलग करना उसे विनोइंग कहते हैं यह एक प्रोसेस है एक प्रकार का काम है जो किसान लोग दा दानों को यानी सीड्स को अनाजों को भूसों से अलग करते हैं इस तरह का प्रोसेस को क्या कहते हैं बिनोइंग चलिए बिना जी अब मुझे बताएंगे क्या आपको बिनोइंग का मतलब समझ में आया या नहीं अगर नहीं तो मैं दोबारा समझाता हूँ अगर हाँ तो ये सर लिख कर के फटाक से कमेंट करें

चलिए हम बढ़ते हैं पर से तीसरे पैराग्राफ की ओर आपको दो पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया गया अब हम चलते हैं तीसरे पैराग्राफ की ओर यहाँ पर से दिया गया है कि वेयर आर द शग्स ऑफ अ स्प्रिंग ए वेयर आर दे अब स्प्रिंग के मौसम में किस तरह का संगीत यानी नेचुरल के इन्वामेंट में किस तरह का संगीत देखने को मिलता है उस बात पर जरा हम चर्चा करते हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि तीसरे पैराग्राफ में दिया गया है कि वेयर आर द शोंग्स ऑफ अ स्प्रिंग वेर आर दे अब हम यहाँ पर से ऑटम सीजन से हट करके ऑटम सीजन से आगे बढ़ करके चलते हैं कहाँ स्प्रिंग सीजन की ओर तो स्प्रिंग सीजन में कहा जा रहा है कि स्प्रिंग सीजन में जो शाम का समय होता है वो म्यूजिक से भरा हुआ संगीत से भरा हुआ होता है जिसके जिसके अनुसार कभी को काफ़ी आनंद आता है यानी स्प्रिंग के समय में जो शाम का जो इन्वामेंटल म्यूजिक होता है वो कौन सा म्यूजिक होता है वो मैं आगे समझाता हूँ थिंक नॉट ऑफ देम दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू क्योंकि जिस तरह से हम अपने म्यूजिक को सुनने के लिए यानी अपने आप को अच्छा करने के लिए घर पे म्यूजिक सुनते हैं ठीक उसी तरह से हमारे इन्वामेंट में हमारे इन्वामेंट में जो पाए जाने वाले क्रिएचर्स हैं जो प्राणी हैं जीव जंतु है वो भी अपने आप को खुश रखने के लिए स्प्रिंग के समय में शाम को क्या करते हैं म्यूजिक सुना करते हैं लेकिन वो म्यूजिक नहीं जो आप सुनते हैं मोबाइल पर टी वी या रेडियो पे। बल्कि यहाँ पर उस म्यूजिक की मैं बात कर रहा हूँ जो कवि के अनुसार बताया गया है कि प्रकृति में होने वाला म्यूजिक जो कि पक्षियों द्वारा छोटे मोटे कीड़ों द्वारा ये सब के द्वारा गाया जाता है उसके बाद देखें क्रावल वेरेड क्लाउड्स बॉलम फ्रॉ द शॉफ डाइंग डे शॉफ्ट डाइंग डे अब कवि कहते, कहते हैं जॉन किड्स कि सॉफ्ट वाई दे एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी ह्यूज उनका कहना है कि कभी कभी ये देखा जाता है बसंत के बादल होते हैं वो बिल इतने हल्के हो जाते हैं जैसे मतलब रुईया वो होता रुई रुई उड़ रहा हो और वो कभी कभी बादल हमारे पहाड़ के कितने करीब आ जाते हैं कितने नज़दीक आ जाते हैं कि ऐसा दृश्य देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है यहाँ पर कभी उस दृश्य की बात करते हैं जिसमें कोई बादल पर्वतों की चोटियों को छूता है दूर से देखने पर मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो बादल आसमान में नहीं बल्कि पहाड़ पर ही अवस्थित हो और इस तरह के दृश्य को देख करके कभी बहुत आनंदित होते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह का दृश्य गुलाब के फूलों जैसा दिखता है गुलाब के बगीचों से जैसा दिखता है जिसे देखने के बाद मुझे काफी प्रसन्नता होती है उसके बाद देखें आगे देन इन ए वेलफुल कॉर मॉर्न। अब देखें यहाँ पर एक मीनिंग दिया है ग्नाट्स जी एन ए टी एस ग्ड्स इसका मतलब होता है छोटा सा कीड़ा जो डंक मारता है काटने वाला कीड़ा इसका मतलब क्या करता है डंक मारने वाला कीड़ा तो शाम के समय में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से कीड़े मकोड़े जो इधर उधर घूमते रहते हैं वो भी क्या करते हैं कि शाम के समय में मीठा गीत गाना शुरू करते हैं एमंग द रिवर सोलोज बॉर्स लॉफ्ट शाम के समय जो नदियाँ बहती है तो नदी का बहाता हुआ पानी कलकल की -कल आवाज़ करता है छल छल की आवाज़ करता है तो एक कलकल -कल की आवाज़ और छल छल की आवाज़ क्या होता है एक ऐसा म्यूजिक पैदा करता है एक ऐसा संगीत पैदा करता है जो हमारे इन्वॉर्मेंट को और बेहतर बनाता है तो प्रकृति में बहुत तरह की आवाज़ें हैं बहुत तरह का साउंड है जो कभी को बहुत पसंद पड़ता है कभी सुनना चाहते हैं और इसी तरह की बातों को यहाँ पर बताते हैं उसके बाद देखिए और सिंकिंग एज द लाइट विंड लाइफ्स और डाइज शाम के समय में डूबना और नए नए तारों का उगना एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है मानो कि धरती पर ही जन्म और मृत्यु दोनों संभव हो व्यक्ति का धरती पर जन्म लेना धरती पर मर जाना एक ऐसा प्रक्रिया है जो हर मानव देखता है उसी तरह से यहाँ पर शाम में सूर्य का डूबना और धीरे धीरे नए नए तारों का उगना यह क्या है एक वैसा ही प्रक्रिया माना जाता है एंड फूल ग्राउंड लैम्प्स लाउड बीट फ्रॉम द हिली bore. कभी यहां पर उस पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं पहाड़ी क्षेत्र की बात करते हैं जहां पर क्या होता है कि शाम के समय में करके होता तो है ना वापस रिटर्निंग है ना जो होता है इक्को प्रतिध्वनि प्रतिध्वनि के रूप में वो जब सुनाई पड़ता है तो उस बात को कभी और अच्छे तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो यहाँ पर पी कुमारी का एक मैसेज आया एक कमेंट आया कि कॉर मीन्स क्या होता है सी एच ओ आई आर एच ओ आई आर चलिए स्वीटी जी मैं बता दूं सी एच ओ आई आर का मतलब होता है मिठास यानी बैसा गीत बैसा गाना जो सुनने में काफी मधुर लगता हो जो मिठास से भरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं कॉर कंप्लीट आगे देखें एंड फुल ग्राउंड लैम्स लाउंड बीट फ्रॉम द हिली बॉर्न कभी कहते हैं कि शाम में जब हम कोई बात को बोलते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में क्या होता है कि हमारा आवाज हमें फिर से सुनाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं प्रतिध्वनि यानी गूंज तो इस गूंज के बारे में कभी यहां पर अच्छा व्यवहार करते हैं और अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं कि कैसे प्रकृति की शक्तियों से प्रकृति की सुंदरता से हमें हमारा आवाज फिर से सुनाई पड़ता है आगे देखें उसके बाद नीचे में कर रहा है कि हेज क्रिकेट्स सिंग एंड नाउ विथ टेरिबल शॉफ्ट अब यहाँ कहा जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं क्रिकेट्स का मतलब क्रिकेट खेल नहीं झिंगुर का क्योंकि क्रिकेट मतलब होता है खेल जैसे तो चलो ना आईपीएल का समय है आईपीएल का सीजन चल रहा है तो वो हो गया क्रिकेट सी आर आई सी के टी तो यहाँ ध्यान देंगे यहाँ पर क्रिकेट में और क्या लगा हुआ है एस लगा हुआ है जिसमें मैं यहाँ पर डीप कर रहा हूँ डीप ब्लू ध्यान देंगे क्रिकेट्स तो क्रिकेट्स का मतलब क्या होता है झिंगुर तो कवि का कहना है कि शाम के समय में जो झिंगुर होते हैं वो इस तरह से झुंझुनाते जुन हैं इस तरह से आवाज करते हैं कि मानो मानो ममता की जो लोरी होती है जो माँ की लोरी होती है वही लोरी वो क्रिकेट्स वो झिंगुर हमारे इन्वॉयरमेंट को सुनाते हैं द रेड ब्रिस्ट यहाँ देखिए रेड ब्रिस्ट का मतलब होता है लाल रंग का कीड़ा छोटा छोटा कीड़ा जो आपको जंगल में या पेड़ पौधों पर देखने को मिलता है कॉमन सा कीड़ा है जिसको क्या बोलते हैं रेड ब्रिस्ट वो कह रहा है कि द रेड ब्रिस्ट विसिल्स फ्रॉम ए गार्डन क्राफ्ट अगर शाम में हम बगीचों की बात करें वन उपवन की बात करें तो पेड़ों की टहनियों में पत्तों पे छिप करके के रेड ब्रिस्ट होते हैं जो लाल रंग के कीड़े होते हैं वो भी मधुर मधुर गीत गाते हैं तो कवि यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि कैसे कैसे प्राकृतिक शक्तियाँ हमारे साथ हमें फ़ायदा पहुँचाती है आगे देखें एंड गैदरिंग शोलोज ट्विटर इन द स्काई और शाम के समय में जो संगीत होता है म्यूजिक होता है कीड़ा द्वारा इस म्यूजिक को और सुंदर बनाने के लिए रात में क्या होते हैं कि बहुत सारे तारे बहुत सारे सितारे आसमान में इस कदर टिमटिमाते हैं इस कदर चमचमाते हैं कि मानो उस संगीत का तारे क्या कर रहे हो शुगत कर रहे हो तारों को सुनने में ऐसा रहा हो कि धरती पर का जो गीत है वो हमें आसमान में सुनाई पड़ रहा है तो इस तरह से देखते हैं बच्चों की आज थोड़ा सा नेट के प्रॉब्लम के कारण आपका क्लास थोड़ा लंबा चला गया टॉपिक छोड़ा था लेकिन समझाने में और थोड़ा नेट के प्रॉब्लम के कारण थोड़ा समय ज़्यादा चला गया तो चलिए बच्चों आज का क्लास में बस इतना ही क्योंकि ये जो पोइट्री आज है आपका पोइट्री यहाँ पर हो गया फिनिश तो चलिए पोइट्री फिनिश हो गया वो अच्छी बात है लेकिन इसको समझने के लिए आपको इस वीडियो को इस क्लास को फिर से घर पर करना होगा क्योंकि आज के वीडियो में जो नेटवर्क का डिस्टर्बेंस रहा उसके लिए आई एम वेरी वेरी शोरी मैंने बहुत कोशिश की कि नेटवर्क थोड़ा सा स्पीड हो जाए लेकिन नेट का जो है अपना मनमान है वो थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो चलिए आज का क्लास बस यही खत्म करते हैं कल के क्लास में आपको इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया जाएगा तो कल का क्लास भी करना ना भूलें क्योंकि आज के टॉपिक में जो पढ़ाया गया जो नेट का प्रॉब्लम था उस प्रॉब्लम को लेकर के आप सभी स्टूडेंट्स को कल के क्लास में इंटरेस्ट लेना होगा क्योंकि कल के क्लास में आपको इस चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डील करवाया जाएगा तो चलिए बच्चों आज का क्लास बस इतना ही मैं पिंटू शहर फिर से आप सभी को सक्सेस अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ और क्लास करने के लिए थैंक यू बोलता हूँ अगर आप सभी बच्चों को आज का क्लास अगर पसंद पड़ा हो क्लास अगर अच्छा लगा हो तो ज़रा इस वीडियो को लाइक कर देंगे और वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट कर देंगे मेरे लिए और मेरे चैनल के लिए ताकि मेरे साथ साथ मेरे चैनल का ही प्रमोशन हो सके क्योंकि आपका कमेंट ही आपका कमेंट मेरे लिए मेहनत की चीज़ है आप कमेंट करेंगे उससे मेरा फायदा होगा तो आपके कमेंट से अगर मेरा फ़ायदा होता है तो आपको आई थिंक ऐसा करना चाहिए तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ अगले दिन अगले क्लास में इसी टॉपिक के साथ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू टू माई ऑल स्टूडेंट्स